प्राकृतिक एवं भौगोलिक माहौल के लिए भागलपुर में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 3 दिवसीय वर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया। आयोजन के मौके पर डीएम ने भागलपुर को भाग्यशाली बताया और दिवस की शुरुआत प्रदेश के सभी जिलों से पहले भागलपुर में मनाए जाने को लेकर हर्ष भी जताया। डीएम ने कहा कि असंवैधानिक रूप से कोई भी पक्षियों को ना रखें, इससे पक्षियों को तकलीफ होती है। बता दें कि इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडायवर्सिटी पर नियंत्रण के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसकी शुरुआत भी भागलपुर से की गई। 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव में गंगा और कोसी नदी इलाके में वंश वृद्धि कर रहे प्रवासी पक्षियों के साथ खासकर गरुड़ की चर्चा होगी। इसके साथ ही गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण पर भी विशेष रूप से फोकस रहेगा। वहीं इस फेस्टिवल में मंदार नेचर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और वन विभाग के मिले जुले प्रयास से जीव जंतु और पक्षियों के संरक्षण पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तकरीबन 70 की संख्या में वर्ल्ड पाचर और पर्यावरणविद शामिल रहे। कंट्रोल करने के लिए हम लोग विशिष्ट बल तो हम लोग गठित किए हुए हैं नौगछिया में, तो हमको लगता है कि ये जल्दी से जल्दी ये सब बात जो है खत्म हो जाएगी और इसका जो इस क्षेत्र में जितना भी जो पक्षियों है उसका पूर्ण सुरक्षा मिल जाएगी। ये बहुत गौरवशाली क्षण है कि आज भागलपुर जिले में हम लोग बर्ड फेस्टिवल 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल मना रहे हैं। आज इसकी शुरुआत की गई है और इस 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से इस पूरे बायोडायवर्सिटी को बचाने की यह मुहिम है। पशु पक्षियों को उनका नेचुरल हैबिटेशन मिले, उनका संरक्षण हो, लोगों के बीच पक्षियों के संदर्भ में जागरूकता हो और जो अनावश्यक उनका जो हम लोग को प्रोटेक्शन करना चाहिए ये सब व्यवस्थाएँ हों। और भागलपुर जिला इस के लिए विशिष्ट स्थान रखता है कि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं, यह डॉल्फिन के लिए भी बिल्कुल अभयारण्य है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक करके बर्ड के प्रोटेक्शन के प्रति लोगों को जागरूक करना इस 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्देश्य है और मैं शुभकामना देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित बीच बीच में भी होने चाहिए और काफ़ी सफल कार्यक्रम साबित होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।